तो बच्चों देखिए, इसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बता दिया गया है कि अगर आपकी इक्वेशन इस टाइप से है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन जो एक्स की वैल्यू निकालने का जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था वो ये लिखा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। तो यहां जो ये वाला तरीका है एक्स की वैल्यू निकालने का, ये डायरेक्ट तरीका है और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें दो वैल्यूज आएंगी एक्स की वैल्यू, एक तो माइनस बी के साथ ये प्लस में आएगा, माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, और दूसरी आएगी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हम क्वेश्चन नंबर टू करने से पहले हम करते हैं नेचर ऑफ रूट्स, हमारे रूट्स का नेचर क्या होगा। यहां पे जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, उस वैल्यू को हम डिनोट करेंगे डी से, और इसको हम बोलते क्या है, इस कॉल डिस्क्रिमिनेंट। जो ये वाली वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो आप इसे आप याद रखेंगे। अब यहां से जो ये वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसके पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ये जीरो से बड़ी हो सकती है, या फिर ये वैल्यू जीरो के इक्वल हो सकती है, या फिर ये वैल्यू वो जीरो से छोटी हो सकती है। तीन ही पॉसिबिलिटी है ना, जीरो से बड़ी, जीरो के इक्वल, या फिर जीरो से छोटी। तो हम यहां पे अलग अलग कंडीशन में करते हैं कि इनके साथ होगा क्या। अगर अंदर वाली वैल्यू जीरो से बड़ी है तो कुछ इस टाइप की होगी, स्क्वायर रूट टू पॉजिटिव होगी ना, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट फोर, इस टाइप की। तो ये वैल्यूज है तो इस केस में क्या आएगा, माइनस बी में से इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो एक बार हमने प्लस लिखना और एक बार माइनस। तो इसमें से एक टर्म हम सेम टर्म प्लस कर रहे हैं और सेम टर्म माइनस, तो ये वैल्यू अलग आएगी और ये वैल्यू भी अलग आएगी, यानी ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, डिफरेंट। देखो ना, जैसे मान लो माइनस का फाइव है, इसमें हम एक चीज ऐड करें, सेम चीज ऐड करें और सेम चीज माइनस करें, तो जो ये दो वैल्यूज हैं ये अलग अलग आएंगी, यानी अनइक्वल। तो यहां से कंडीशन बनती है इफ डी इज इक्वल टू, जो कि हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के इक्वल है, अगर ये वाली वैल्यू जीरो से बड़ी है तो जो रूट्स आएंगे वो आएंगे रियल एंड अनइक्वल। इसके बाद सेकंड कंडीशन में, अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती है अंदर वाली, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर ये जीरो आ जाए तब क्या होगा। अब ध्यान से ध्यान दीजिए, उस केस में क्या होगा, एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी, माइनस बी, प्लस में क्या आएगा, जीरो। जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो। जीरो को ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस बी बाय टू ए यहां से, और यहां से क्या आएगा, माइनस बी, ये पूरी टर्म जीरो डिवाइड बाय टू। तो यहां पे हमारे दोनों रूट्स क्या आएंगे, सेम यानी इक्वल। तो यहां से अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल आता है तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और साथ में इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। तो आपने ये चीज नोट करनी है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल, और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद थर्ड पार्ट, अगर ये वैल्यू जीरो से छोटी हो जाए, जीरो से छोटी होने का मतलब क्या है, अगर रूट के अंदर कौन सी टर्म है जीरो से छोटी, नेगेटिव, जैसे माइनस वन माइनस टू। क्या आपने अभी तक किसी नेगेटिव नंबर का रूट निकाला है, तो इसका आंसर है अभी तक हमने नेगेटिव नंबर्स का रूट निकालना नहीं सीखा, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और ये चीज अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो यहां पर हम ये लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, तो रूट्स आपके रियल नहीं होंगे, या फिर हम ये कहें, ये हम कह देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट।
कोई भी आपका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी आपके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। तो इस केस, अगर आपके पास ये केस बनता है तो आपको इक्वेशन को आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको पता लग गया कि हमारे यहाँ से रूट नहीं निकल सकते तो फिर हम उसको सोल्व क्यों करेंगे। तो सोल्व करने की रिक्वायरमेंट आपकी सिर्फ इन दो केसेस में होगी, यानी अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट चाहे जीरो से बड़ा है चाहे जीरो के इक्वल है, उस केस में आपके रूट्स क्या आएंगे, रियल। और यहाँ से इसको आगे सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, वो चाहे हम इस फॉर्मूले से करें, चाहे हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करें, चाहे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ करें। जो सॉल्यूशन निकलेगा वो इन्हीं दो मेथड्स के लिए निकलेगा, इन्हीं के लिए पॉसिबल होगा, इसके लिए सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो या जीरो से बड़ा है तो सॉल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है तो आपका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है, अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो। चलिए निकालते हैं, इसको रखकर दो। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 2x² आई थिंक हमारे पास स्टेटमेंट सेम है, 2x² -7x+3 यहां से कंपेयर करेंगे कि ए क्या है, x² का क्वेश्चन 2, बी क्या है -7 और सी क्या है 3। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। नाउ डी इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। अगर ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हुई तभी हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां से क्या आएगा, b कितना है -7 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, ये आएगा 49 माइनस का 4 to the 8 24, सोल्व होके ये आएगा 25 विच इज ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन बनेगी, अगर 0 से बड़े हैं तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो इस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सो x इज इक्वल टू -b± √b² -4ac डिवाइड बाय 2a। तो x की वैल्यू आएगी माइनस का b, b के प्लेस पे क्या आएगी 7, माइनस में b की वैल्यू -7 +- √b² -4ac, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 25 डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू ए के प्लेस पे 2। यहां से हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी -- +7 +- 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 डिवाइड बाय 2 to the 4। तो यहां से हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, यहां पे लिख ही देते हैं। सो x इज इक्वल टू, एक बार तो वैल्यू लेंगे हम प्लस की 7 + 5/4 और एक बार वैल्यू लेंगे हम माइनस की 7 - 5/4। तो सॉल्यूशन आपका सेम आएगा, 7 + 5 = 12/4 3 और दूसरा 1/2। हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था तब भी x की वैल्यू आपकी यही आई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला हम चाहे जो मर्जी यूज करें इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसका सेकंड और थर्ड पार्ट में से हम थर्ड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे।
थर्ड पार्ट, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फोर एक्स स्क्वायर प्लस का 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से पहले सबसे पहले कंपेयर करेंगे, हियर ए की प्लेस पे 4 है, बी की प्लेस पे क्या आपका 4√3 और सी की प्लेस पे आपका 3। डी निकालेंगे हम यहां से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है आपका 4√3 इसका स्क्वायर माइनस का 4, ए के प्लेस पे आपका 4 और सी के प्लेस पे आपका 3। 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 = 48, माइनस 4 × 16 माइनस का 3 × 48, ये वैल्यू आपकी आपके 0। अब 0 वाले केस में क्या होंगे, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यही कंडीशन होगी ना। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इन दो केसेस में हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस, b की जगह क्या है 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है यहां पे 0 डिवाइड बाय 2 इंटू ए के प्लेस में क्या है 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 4√3 डिवाइड बाय 4 to the 8, और दूसरी वैल्यू माइनस का 0 लेंगे, माइनस का 4√3/8। यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम वैल्यू 1 ही लेंगे, अरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने डिग्री की है 2, तो जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस 0 करके और एक बार माइनस 0 करके इसको, हालांकि यहाँ से सॉल्यूशन सेम आएगा, माइनस का √3/2 और यहाँ से भी माइनस का √3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। यहाँ पे देखिए जो रूट्स हैं आपके रियल भी आ रहे हैं और साथ के साथ क्या आ रहे हैं, दोनों रूट्स इक्वल। तो मेरे ख्याल से आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता लग गया होगा, यानी कोई भी अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी है तो सबसे पहले हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अगर 0 या 0 से बड़ा है तो हम उसको सोल्व करेंगे, लेकिन अगर बाय चांस डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है तो हमें उसको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे सेकेंड का फोर्थ पार्ट देखिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे हम कंपेयर करेंगे, ए के प्लेस पे 2 है, बी के प्लेस पे क्या है एक्स का कोएफिशिएंट 1 और सी के प्लेस पे क्या है 4, तो सो डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपका 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे 4 है और सी के प्लेस पे 4, दैट मीन्स 1 माइनस 64 माइनस का 63 विच इज लेस देन 0, जो भी क्या है 0 से कम। तो इस केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा है तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, सो रूट्स आर नॉट रियल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसके रूट्स निकालने हैं, अब इन्होंने ये नहीं दे रखा कि हमने इसको किस मेथड से सोल्व करना है, तो हम इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने के लिए हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन का भी, कंप्लीटिंग द स्केल का भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। हाँ, लेकिन अब की बार ध्यान रखना, सबसे पहले हम ये चेक जरूर करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो ही हम सॉल्यूशन करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं करेंगे।
ये बाय चांस की बात है। अब हमने 4.2 में जितने भी क्वेश्चन किए और 4.3 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट किए वो सभी क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डिस्क्रिमिनेंट या तो जीरो था या जीरो से बड़ा था। जीरो से छोटे वाला अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था, वो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में आया था, वो भी इसका फोर्थ पार्ट, जिससे मैं डायरेक्ट पता लग गया रूट्स आर नॉट रियल। अगर इसको आप फैक्टराइजेशन से सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल नहीं होती, तो क्योंकि ये चीज़ इसने आपको डायरेक्ट बता दी, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्स माइनस वन बाय एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही है ना। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं, एक्स इसके नीचे वन है, इसके नीचे वन है, तो एक्स को वन से डिवाइड करोगे, एक्स एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स से एक्स कैंसिल वन बचेगा इज इक्वल टू यहाँ से आएगा थ्री एक्स इक्वल टू के दोनों साइड एलसीएम लिया तो एलसीएम यहाँ से हट जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर थ्री एक्स को जब ले आए माइनस का थ्री एक्स माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हमने सोल्व करना है, अगर ये इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डी निकाल लेते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बार बार हम ए बी सी नहीं लिखेंगे, बी क्या है एक्स का कोफिशेंट माइनस थ्री इसका स्क्वायर माइनस का फोर, ए के प्लेस में क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट वन और सी के प्लेस में क्या है माइनस वन, ये आपका आएगा माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस माइनस प्लस फोर, डी आपका आ गया थर्टीन विच इज ग्रेटर देन जीरो, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल सॉरी अनइक्वल, सो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकालें, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू ए। अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस बी के प्लेस में क्या है माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सोल्व करने के बाद क्या है थर्टीन डिवाइड बाय टू इंटू ए की जगह क्या है वन, ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस थ्री प्लस का प्लस माइनस रूट थर्टीन डिवाइड बाय टू। तो यहां से x की दो वैल्यूज आएगी 3 प्लस रूट थर्टीन बाय टू और दूसरी वैल्यू आएगी 3 माइनस रूट थर्टीन डिवाइड बाय टू। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रदेश को भी चलिए थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वन बाय एक्स प्लस फोर वन बाय एक्स प्लस फोर माइनस का वन बाय एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू इलेवन बाय थर्टी, यहां पर कंडीशन दे रखी होगी एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर एंड सेवन। अच्छा ये कंडीशन बच्चों आपको पहले बता देता हूँ, ये जानबूझ के देते हैं क्योंकि अगर x की वैल्यू आपने माइनस फोर पुट कर दी तो ये वाली टर्म नीचे जीरो हो जाएगी और वन बाई जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, तो फिर ये हमारे सोल्व करने लायक नहीं रहेगी। इसलिए जिनकी वजह से ये नीचे वाली टर्म जीरो हो सकती है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गड़बड़ में आ सकता है, वो वैल्यूज इन्होंने पहले ही हटा दी है यहाँ से। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए दोनों तरफ, 30 x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस फोर से x प्लस फोर कैंसिल, तो यहां से आएगा 30 इंटू
x माइनस सेवन माइनस का, इसको इससे डिवाइड करेंगे x माइनस सेवन से x माइनस सेवन कैंसिल, तो 30 इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 11। 30 से 30 कैंसिल, ये टर्म पूरी मल्टीप्लाई में, x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन, क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ एलसीएम लिया है तो एलसीएम नीचे से हट जाएगा। सो इसकी मल्टीप्लाई करें, 30x माइनस का 210 माइनस का 30x माइनस का 120 इज इक्वल टू 11 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28। तो यहां से 30x से 30x कैंसिल, माइनस का 210 माइनस का 120 माइनस का 330 इज इक्वल टू 11 को भी डिवाइड मिल जाए, डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28। ये यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है 3 से, 30 माइनस का उधर जाके प्लस का, सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28, 30 माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन बनी है ऐसी। तो यहां से d निकालेंगे सबसे पहले हम, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालिए, बी की जगह माइनस थ्री है, इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए के प्लस में वन और सी के प्लस में टू, यानी 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, सो एक्स क्यूब डायरेक्ट निकालें क्योंकि अब हमारे पास फॉर्मूला है, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय 2a। तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी के प्लेस में क्या है माइनस थ्री, माइनस इंटू माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के प्लेस में क्या है 1 डिवाइड बाय 2a के प्लेस में क्या है 1। तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाय 2। यहां से x की दो वैल्यूज निकलेंगी 3 प्लस 1 बाय 2 और दूसरी आएगी 3 माइनस 1 बाय 2। तो यहां से x की वैल्यूज आएगी 3 प्लस 1 4 4 बाय 2 2 और दूसरी वैल्यू 3 माइनस 1 2 2 बाय 2 1। तो दो सॉल्यूशन यहां पे, यहां से x के आ जाएंगे 2 एंड 1। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा और जो ये फॉर्मूला है इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ये कैलकुलेशन इजी कर देता है, दूसरा हम यहाँ से ये पता लग जाते हैं कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन वाला या कंप्यूटिंग द स्क्वायर वाला वो पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होता है तभी पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, चलिए।